एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान तनाव पर भारत ने चिंता जताई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से हम चिंतित, यह बयान दिया गया है। ताजा हालात से शांति और स्थिरता पर असर पड़ा है। बातचीत से समस्या का समाधान निकालें, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं। आइए यही खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष, उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। आशीष, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश आप, भारत ने इस पर सीरियस कंसर्न जाहिर किया है और अभी अभी जो हालात इसराइल और ईरान के बीच बने हैं उस पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है, बिल्कुल वी आर डीपली कंसर्न बाय द इवॉल्विंग एस्केलेशन इन वेस्ट एशिया एंड इट्स रैमिफिकेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। जो आप जिक्र कर रहे थे कि इस रीजन में किस तरह से असर पड़ रहा है पीस और स्टेबिलिटी को, इसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है भारत ने और ये दोबारा से रिटरेट किया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में जो हॉस्टेजेस हैं वो भी अभी तक फंसे हुए हैं। तो भारत ने एक तौर पर फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया है जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से लगातार बयान आए थे कि किसी तरह से इसको कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले भारत ने ये ऑफर भी किया था कि दोनों देशों के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन आज जिस तरह से ईरान के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है उसके बाद इस तरह का बयान आना भारत का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, और एक तरीके से आशीष ये साफ कर दिया गया है कि युद्ध के पक्षधर हम नहीं है। आपको याद होगा पुतिन साहब से भी जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उस दौरान उनके सामने भी प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया था कि युद्ध से कोई समाधान नहीं हो सकता। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कई फोरम पे ये बात कही है, भारत सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर इस तरह की रिलीजेस निकाल के भी कहा गया। डॉक्टर जयशंकर ने बाकायदा अमेरिका में जब वो यूएनजीए समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र एक बाकायदा सेमिनार के दौरान किया था कि इंडिया खुद को ऑफर करता है कि हम इसराइल और ईरान के बीच में मीडिएट भी कर सकते हैं, डायलॉग फैसिलिटेट करने की भूमिका निभा सकते हैं। उसके बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इसराइल ने अब ईरान पर जवाबी हमला किया है उसके बाद एक खतरा तो जरूर मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो रीजनल वॉर छिड़ जाए जिसको लेकर हम और आप लंबे समय से चिंतित है। ऐसे समय पर भारत ने ये अपना पोजीशन क्लियर करके एक बार फिर से मांग की है कि इसको डिप्लोमेटिक और डायलॉग के जरिए इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं और भारत ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ABP News, आपको रखे आगे।